मैं डाउनटाउन यूनिवर्सिटी काम करूँ। 30 अक्टोबर दिनाखन मानने मोर एक्सिडेंट होइसिले। इयारे एमप्लये मोक मानने नि पेलाय ईएसआईत भर्ती करले। मोर ईएसआईसी कार्ड आछे, हेतु कारणे ताते मोर मानने ट्रिटमेन्ट होवात मोर मानने खूब क्रिटिकल आछिले। क्रिटिकल थकार कारणे लगे लगे हेल्थ सिटीत मोर रेफार करिले। ताते मोर 17 दिन मानने ट्रिटमेन्ट चलिले। तार ट्रिटमेन्टत मैं मानने आरोग्य होइछो। बर्तमान मैं 3 माह मानने मैं बेड रेस्टत आछिलु। तार पिछत मानने एतिया मैं 1 फेब्रुवारी पर आकौ जॉइन करिछो। आरो ताते मैं जी 3 माह मैं काम करिब परा नासिलु तार क्षतिपूरण हिसाबे मोक मानने 30,000 टका तेओंलोके मोक सहाय करिछे। आरो एटुए नहय, इयार पिछतो जदि मोर बा घरुवा असुविधा हय বা ইয়াৰে কোনোবা এমপ্লয়ৰো হয় ইএসআইসি থাকিলে তাতে ভৰ্তি কৰিব পাৰে বা তাতে ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হয়, ইমানে আৰু। 30 অক্টোবৰ কে দিন হামাৰে পাস এক কেছ আয়া জিসমে হামে পতা চলা কি জো আইপি হে ৱো আপনে কৰ্মস্থল পৰ আনে কে সময় উনকা এক্সিডেন্ট হো গয়া। उनका नाम श्री ध्रुव शैकिया है। उसके बेसिस पे हमने उनको टीडीबी मतलब टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट में एडमिट किया। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो अगर आप काम करते वक्त अपने कार्यस्थल पे आपको कुछ होता है, कोई भी दुर्घटना, तो आपको 90% तक उसका भुगतान ईएसआईसी से मिलता है। साथ ही में पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। पर उनका केस थोड़ा अलग था। उनके कार्यस्थल पे नहीं बल्कि वो कार्य पे जब आ रहे थे तब सुबह रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसे भी केसेस हमारे एक्सीडेंट केस में काउंट होते हैं, जो कि अगर आप आते वक्त या काम पे जाते वक्त अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको पूरा भुगतान मिलता है। वो काफ़ी क्रिटिकल केस था, उसको उनको ईएसआईसी अस्पताल में लेके जाया गया, पर क्योंकि वो क्रिटिकल था तो फिर उनको प्राइवेट टाइप हॉस्पिटल में हम लोगों ने रेफर कर दिया। वहाँ पे उनका बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट चला, जो कि अगर किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कराते तो उनका लाखों का खर्चा होता, पर ईएसआईसी के कारण वो कम्प्लीटली कैशलेस था। और यही नहीं, वो 3 महीने तक छुट्टी में थे तो उनको उनके सैलरी का 90% हम लोगों ने पूरा भुगतान दिया। और उसके बाद अगर कोई भी फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है वो भी ईएसआईसी कम्प्लीटली फुलफिल करती है। ईएसआईसी, चिंता से मुक्ति।